हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करूँगी आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस एक मिनट, आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 5:22 से, और अंधेरा भी हो ही चुका है। मतलब आजकल ना जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो आपको को हमें यहाँ की लाइट हो जाओ। देखो बाहर अंधेरा होने ही वाला है, जस्ट 5:30 तक हो ही जाएगा। तो मेरी मम्मी को आया हुआ है बुखार बहुत ज़्यादा, तो सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। और मेरे हाथ इतने ठंडे हो रहे हैं क्योंकि मैंने अभी बर्तन मले ना ठंडे पानी से, तो इतने ठंडे हो रहे हैं हाथ, तो क्या ही बताऊँ। तो अब चलते हैं किचन में। तो दोस्तों हमने आती कि यहाँ पर जलाएगा आग, और ये आ गया मालिक। कौन आया? गुन्नू। गुन्नू का नाम क्या है? बदांच। आओ फिर, हेलो गाइस बोलो। अच्छा हेलो गाइस को। ए बहुत ही गंदी बच्ची है, चप्पल पहने। सुनो गुन्नू के हाथ में क्या है? गुन्नू ने हाथों में क्या पहना है? दूसरे हाथों में ग्लव्स है, वो जुराब। तो गाइस अब नैतिक का टैलेंट देखते हैं आग चलाने। उसने यहाँ पर नैतिक ने जला ली आग, और मम्मी ने काट दिया लहसुन प्याज, और मैं बना रही हूँ चाय। तो गाइस बन चुके है चाय, अब हम पियेंगे चाय। तो दोस्तों आज मैं बना रही हूँ न्यूट्रेला की सब्जी, जिसके लिए मैंने तेल गरम कर लिए है, और इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा। और जीरा भुनने के बाद मैं इसमें डालूंगी खड़े मसाले, जिसमें है छोटी इलायची, बड़ी इलायची और लौंग, सारे खड़े मसाले हैं। फिर उसके बाद मैं इसमें डालूंगी ग्राइंड किया हुआ प्याज, और फिर उसके बाद जब हमारा प्याज भुन जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे सोयाबीन की बड़ी। अब देख सकते हैं हमारा ना जो प्याज है वो आधा भुन चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे बड़ी। और आज ना मैं दूसरे तरीके से सब्ज़ी बना रही हूँ, मैंने जो न्यूट्रेला है उनको पहले नहीं भुना हुआ है। तो अब हम इसमें डालेंगे ये बड़ी, और साथ ही मैंने एक ही दाना आलू भी काटा हुआ है, तो वो भी मैं इसमें अभी थोड़ी देर में डालूंगी। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो थोड़ी देर इसको भुनेंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो हमारा जो न्यूट्रेला है वो अच्छे से भुन गया, न्यूट्रेला और प्याज। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया ग्राइंड किया हुआ टमाटर, और इसके साथ हम अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। और आज मैं पहली बार न्यूट्रेला की सब्ज़ी बना रही हूँ, मतलब सारी मैंने आज पहली बार सब्ज़ी बना रही हूँ, और वो भी आग में। और मैं अब इसमें डालूँगी नमक। तो दोस्तों मैं आग वाले अभी किचन में खाना बना रही हूँ, थोड़ा कैमरा भी धुंधलाएगा क्योंकि जो सब्ज़ी की भाप है वो उठ रही है, तो सीधा कैमरे में जा रही है इसीलिए। और अब मैं इसमें डालती हूँ आलू, फिर इसको करूँगी मिक्स। और मसाले मैंने अच्छे से, मतलब मैंने पानी में मिक्स कर रखे हैं, मतलब मैंने ना सारे मसाले मिक्स कर दिए हैं एक ही साथ, जैसे हल्दी नमक मसाला सब इसमें मिक्स कर लिया है। नमक तो मैंने पहले ही डाल लिया था टमाटर के ऊपर, और ऐसे डाल के ना जो सब्ज़ी होती है वो ज़्यादा टेस्टी होती है, इसलिए मैंने ऐसे डाला, मतलब सारे मसालों को मिक्स करके। तो दोस्तों हमारा मसाला और सब्जी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, साथ ही अब हम इसमें डालेंगे पानी। अगर आपको ना ग्रेवी वाली सब्जी अच्छी लगती है तो आप कम पानी डालिए, अगर तरी वाली अच्छी लगती है तो ज़्यादा पानी डालिए। हमको तो ग्रेवी वाली सब्जी अच्छी लगती है, तो हम कम पानी डालेंगे सब्जी में। तो देख सकते हैं आप, पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो दोस्तों फाइनली हमारी सब्जी बनके तैयार है, देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया, और साथ ही हमने टेस्ट के लिए इसमें डाल दिया घर का ताज़ा ताज़ा फ्रेश धनिया। देख सकते हैं सब्जी हमारी कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है, देखने में इतनी अच्छी लग रही है, तो खाने में तो कितनी टेस्टी होगी। अब हम बनाते हैं रोटी, तो मिलते हैं आपसे।
इसका एक ही रॉड जल रहा है। 3 रॉड थे, एक तो है, एक निकाल दिया, एक खराब हो रखा है, एक ही जल रहा है। इसको नहीं जलाते हैं, अंदर है कोयले, कोयले सेकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अब हमने पी लिया दूध, अब यहाँ पे पापा और दद्दा पी रहे हैं दूध। बाकी अब हम इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी रोटी सब्जी कैसी लगी, मतलब मेरी बनाई हुई। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।